इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है द स्टोरी ऑफ द रिवर गंगा। ये इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर से उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी हमने पार्ट 1 में यहाँ तक कवर किया था कि ईशान जो है वो अपनी दादी माँ से पूछता है कि रिवर गंगा का इन 60,000 बच्चों से और राजा से क्या लेना देना। तो इससे आगे की स्टोरी जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ईशान एक्सक्लेम्ड, ओ व्हाट हैपेंड देन, बट व्हाट हैज दैट टू डू विद द रिवर गंगा। यहाँ ईशान अपनी दादी माँ से पूछता है कि जब वो 60,000 बच्चे राख में परिवर्तित हो गए तो उसके बाद उनका क्या हुआ और इन सब चीज़ों का रिवर गंगा से क्या लेना देना। वेल वेन किंग सागर डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मैनी सन्स ही वॉज वरीड। अब यहाँ दादी माँ बताती हैं, यहाँ से आगे की कहानी जो है अब दादी माँ बताती हैं कि जब किंग सागर को उनके बच्चों की कोई खोज खबर नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। ही सेंट हिज ग्रैंड सन अंशुमन टू फाइंड आउट, और उन्होंने अपने पोते यानी कि ग्रैंड सन को अंशुमन को भेजा कि पता करो कि वो बाकी सारे जो बच्चे हैं, मतलब कि अंशुमन के वो क्या अंकल लगेंगे, तो वो कहाँ है, उनको ढूंढने के लिए भेजा था अंशुमन को। अंशुमन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ एशेस। अब जैसा कि दादाजी ने कहा उसे कि अपने अंकल के बारे में जाके पता लगाने के लिए, तो वो निकल जाता है और वो इतना ज़्यादा ब्रेव था, साहसी भी था और साथ ही साथ वो क्या था, बहुत काइंड हार्टेड भी था। अब वो क्या करता है कि अब उसको जब वो ढूंढने जाता है ना, तो वो बहुत ही जल्दी घोड़े को तो फाइंड कर लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये 60,000 राख के इतने सारे टीले कैसे बने हुए, मतलब जो हीप्स होते हैं ना राख, जो उसके जो सारे अंकल्स राख में परिवर्तित हो गए थे तो उनके सारे जगह 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 60,000 एशेज के हीप्स तैयार थे। तो वो देख करके पजल था, कंफ्यूज था कि इतने सारे राख के हीप्स जो है ये कैसे तैयार है। देन द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़ टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ। अब यहाँ पे जो गरुड़ थे ना, जो कि बर्ड्स के किंग माने जाते हैं, तो वो अंशुमन को बोलते हैं कि उसे जल्दी से इस घोड़े को ले करके जाना है क्योंकि यज्ञ पूरा करना है, तो यज्ञ को पूरा करने के लिए जल्दी से घोड़े को ले करके जाओ। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट वॉट हैपन टू हिज अंकल्स, और साथ ही में गरुड़ ने उसके अंकल के साथ क्या हुआ, किस तरह से उसके अंकल 60,000 जो अंकल थे वो सबके सब राख के ढेर में परिवर्तित हो गए, तो उसको सब कुछ बता देता है। और उस तब अंशुमन को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये जो हीप्स है ना राख के, यानी कि राख के जो ढेर तैयार हो रखे हैं, ये सब उनके अंकल के ही हैं। तब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अपसेट अंशुमन आस्क गरुड़ व्हाट ही कुड डू अबाउट इट। तब अंशुमन जो है वो पूछता है गरुड़ से कि अब वो क्या कर सकता है इस चीज़ के बारे में, इस मैटर में वो क्या कर सकता है, क्योंकि अंकल तो अब सारे उसके राख में परिवर्तित हो गए। सो गरुड़ टोल्ड अंशुमन दैट टू सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन, देयर एशेज मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा। तब गरुड़ जो है वो बताते हैं अंशुमन को कि उनके अंकल की आत्मा को स्वर्ग में भेजने के लिए गंगा में ये सारे जो राख के ढेर है ना, इसको गंगा में प्रवाहित यानी कि गंगा में बहाना होगा। बट द गंगा वॉज इन हेवन, लेकिन गंगा जो है वो तो स्वर्ग में ही है, एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट। अब वो बताते हैं कि गंगा जो है वो तो स्वर्ग में है, अब सबसे पहले तुम ये करना होगा कि गंगा को अर्थ पे, धरती पे लाना होगा सबसे पहले। द यज्ञ वॉज फिनिश्ड बट नीदर किंग सागर नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप हु बिकेम द नेक्स्ट किंग्स कुड फाइंड अ वे टू ब्रिंग द गंगा डाउन, सेड द ग्रैंड मदर। अब दादी माँ बताती हैं कि जो किंग सागर थे उनको भी नहीं समझ में आता है कि गंगा को कैसे लाया जाए धरती पे। अंशुमन जब किंग बने तो उनको भी नहीं समझ में आया। इनके बाद दिलीप नाम से किंग बने थे तो उन दिलीप को भी नहीं समझ में आया कि किस तरह से ये गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंड मदर आस्क ईशान। तब ईशान पूछता है कि तो फिर क्या हुआ दादी माँ। द नेक्स्ट किंग भागीरथ वॉज अ ब्रेव किंग। अब दिलीप किंग जो थे उनके बाद जो किंग बने उनका नाम था भागीरथ, वो बहुत ज़्यादा साहसी थे, ब्रेव थे। बट ही हैड नो सन हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था जो कि अगला राजा बन सके।
एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश टास्क ऑफ द एसेस। साथ ही में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ये जो टास्क जो था ना राख का कि इसको गंगा में प्रवाहित करना है तो कैसे किया जाए, ये एक तरह से अनफिनिश टास्क रह गया था, तो उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि इस काम को कैसे किया जाए। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड वेंट टू द हिमालयस टू प्रे एंड डू पेनेंस। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने अपना राजपाट जो था वो मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों पे छोड़ दिया, उनको संभालने के लिए दे दिया और वो हिमालय पे चले गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीडेड बाय भागीरथ डिवोशन, और भागीरथ का जो ये तपस्या था ना वो देख करके ब्रह्मदेव जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल ब्रह्म ग्रांटेड हिम बोथ द विशेज। अब यहाँ पे उस पर इतना ज़्यादा खुश हुए थे ना ब्रह्मदेव कि उसकी परेशानी को सुन करके उन्होंने तुरंत ही उसको विशेष जो थे उसको पूरा करने के लिए आशीर्वाद दे दिया। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रांग एनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा, सो भागीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। लेकिन साथ ही वो ये भी ऐड करते हैं, ये भी बताते हैं कि धरती जो है इतना मजबूत नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो गंगा के प्रवाह को बर्दाश्त कर पाए। मतलब गंगा इतनी गंगा का जो बहाव है ना फ्लो वो इतना ज़्यादा तेज है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से इस बारे में तुम्हें शिव जी से हेल्प लेना होगा। द ग्रैंड मदर कन्फ्यूज द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड देन भागीरथ प्रेड टू शिवा। अब आगे कहानी जो है वो जारी रखती हैं दादी माँ। अब क्या होता है, भागीरथ जो है वो शिव जी से प्रे करना शुरू कर देता है। शिव वाज वेरी प्लीज्ड, ही प्रोमिस टू हेल्प भागीरथ। शिव जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी तपस्या से, उसके प्रे से, और वो प्रॉमिस करते हैं भागीरथ को कि उसकी मदद करेंगे। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स। लेकिन गंगा जो है वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी। मतलब होता है ना एक अंदर घमंड होना कि सारे देवता उसकी मतलब इतनी इज्जत करते हैं, इतनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, तो उसको थोड़ा घमंड था। सारे भगवान की वो फेवरेट थी तो उसको थोड़ा घमंड भी था। सी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स। अब उसने ये सोचा कि वो क्या करेगी कि शिव जी को अपने बहाव में बहा देगी। उसको ऐसा लगता है कि उसका बहाव इतना तेज है ना कि वो क्या करेगी कि शिव जी को भी उस बहाव में बहा देगी। गंगा वे विथ ऑल हर फोर्स फेल ऑन शिवा हेड, और गंगा क्या करती है जाकर के शिव जी के सर पे बैठ जाती है। शिव न्यू ऑफ गंगा प्राइड। अब शिव जी हैं उनको पता है गंगा के घमंड के बारे में। टू टीच गंगा अ लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर। अब शिव जी ने क्या किया, उसके घमंड को तोड़ने के लिए, उसको एक सबक सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए उसने क्या किया कि उसके बहाव को अपने जटा में, उनका जो मैटेड हेयर होता है ना जटा, उसमें उसके बहाव को रोक दिया। क्योंकि शिव जी तो देवों के देव हैं तो वो तो गंगा से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने यहाँ पे गंगा के घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया कि उसके फ्लो को अपने जटा में ही रोक दिया। कमिंग टू आर द एंड ऑफ द स्टोरी द ग्रैंड मदर सेड भागीरथ वॉज ट्रबल एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। अब क्या होता है, भागीरथ और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अब वो फिर से प्रे करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उनको तो आगे का अपना टास्क पूरा करना है, ऐसे उसको प्रवाहित करना है कैसे भी। प्लीज शिवा अलो द गंगा टू फ्लो जेंटली। अब भागीरथ के तब ये प्रे करने की वजह से शिव जी जो हैं वो क्या करते हैं कि गंगा को बहने देते हैं। फिर द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू सेवन स्ट्रीम्स। अब इसमें क्या हुआ, गंगा का भी जो घमंड था वो भी टूट गया, उसको भी समझ में आ गया कि शिव जी को वो नहीं बहा सकती है, इतनी भी वो पावरफुल नहीं है, उससे भी पावरफुल कोई है जो कि देवों के देव महादेव हैं। द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू सेवन स्ट्रीम्स। अब शिव जी ने क्या किया, गंगा के बहाव को सात भाग में बांट दिया। थ्री फ्लो टू ईस्ट, तीन बहाव जो है ईस्ट के साइड बह गए और तीन जो बहाव थे वो वेस्ट के साइड बह गए। वन स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथ, और एक बहाव जो था वो भागीरथ के रथ को पीछे पीछे, मतलब रथ के पीछे पीछे आना शुरू हो गया। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वॉज सो ब्यूटिफुल दैट ऑल द गॉड असेंबल टू सी इट। अब क्या हुआ कि जो भागीरथ के पीछे जो बहाव बह रहा था ना गंगा का, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि सारे के सारे गॉड जो थे वो सब के सब असेंबल होकर के देख रहे थे उसको। भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर्स।
अब गंगा को धरती पे लाने के बाद भागीरथ ने अपने जो 60,000 जो एंसेस्टर्स थे ना, उनके एक तरह से पूर्वज ही हुए ना, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उसने ये जो राख था उसको प्रवाहित किया, होली राइट्स किया, देयर सोल्स कुड फाइनली गो टू हेवन। और इसके बाद उनकी आत्मा जो थी 60,000 पूर्वजों की, वो सारी आत्मा जो थी वो स्वर्ग में चली गई। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज बिलीव टू बी होली। तब आखिरी में ईशान समझ गया कि अच्छा, गंगा जो है वो स्वर्ग से आई है, इस वजह से उसको इतना पवित्र माना जाता है। बट ईशान स्टिल लुक पजल एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडमदर, इफ द गंगा इज होली देन व्हाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूटेड, शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन। अब यहाँ वो ईशान जो है ये पूछता है दादी माँ से, पहले तो वो समझ जाते कि अच्छा इस वजह से गंगा को इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहता है और दादी माँ से पूछता है कि अगर गंगा इतनी पवित्र है तो फिर लोग क्यों उसमें इतना गंदगी डालते हैं, उसको क्यों इतना पॉल्यूटेड करने में लगे हुए हैं, क्या वो उसे क्लीन नहीं रख सकते, साफ सुथरा नहीं रख सकते। स्माइलिंग अ लिटिल ग्रैंड मदर सेड, ईशान दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब दादी माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं ईशान से कि हाँ, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा सवाल है, व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट। तुम ये सवाल मुझसे ना पूछ करके तुम अपने क्लासमेट से, मतलब जो सहपाठी है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हो, अगर उनसे पूछोगे तो तुम्हें जरूर इसका आंसर जो है वो मिलेगा। तो दादी माँ का भी कहने का मतलब है कि उसे अपने अपने जो भी साथ में पढ़ते हैं, जो भी अपने सहपाठी हैं, उन सबसे भी ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, ताकि आगे से उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए कि हमें गंगा को इस तरह से पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। यही सवाल आप सभी के लिए भी है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।